मेरे जान, तू मुझसे रूठकर कहाँ चला गया है? क्या मैं तुझे याद नहीं आती? आगे देख तो सही, तेरे गम में तेरी माँ की क्या हालत हो गई है? बेगम, देखो डॉक्टर साहब आएंगे। डॉक्टर साहब, मेरे साथ साथ खुलाए, कहाँ है मेरा लाल? आप बोलते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? ये तुम्हारा इलाज करने आए हैं बेगम। मेरा इलाज? मेरा इलाज तो मेरा बच्चा है, उसे साथ नहीं लेकर आए, उसे साथ नहीं लाते, यहाँ क्या करने आए? चले जाइए डॉक्टर साहब। मैं कहती हूँ चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। साहब, इनका बच्चा खो गया है डॉक्टर साहब। तो इनका इलाज किसी डॉक्टर की दवा में ढूंढने के बजाय बेहतर है कि बच्चा तलाश किया जाए। आप समझते हैं कि मैंने बच्चे को तलाश नहीं किया होगा? डॉक्टर साहब, मैं बाप हूँ, मैंने जितना बच्चे को तलाश किया है, अगर खुदा को ढूंढता तो वो भी मिल जाता। लेकिन इंसान की छुपाई हुई चीज को ढूंढना इंसान के बस की बात नहीं। क्या आप किसी और बच्चे का इंतजाम कर सकते हैं? बच्चे का इंतजाम? आपकी बेगम साहिबा के अंदर अभी बच्चे के मिलने की आस बाकी है। इस हालत में अगर कोई बच्चा इनकी गोद में आकर इनकी ममता को तस्कीन दे दे तो इनकी जिंदगी मामूल पे आ सकती है। अगर ये मायूस हो गई तो ये सदमा इनकी जान भी ले सकता है। डॉक्टर साहब, इस दुनिया में इतने वसी दिल का मालिक कौन ऐसा इंसान होगा जो इस पागल की जान बचाने के लिए अपना बच्चा इसकी गोद में डाल देगा? बहरहाल, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। खुदा हाफिज़। वापस लौटा है, बेगम साहबा की तबीयत तो ठीक है। क्या पूछती है जन्नत? बच्चे के गम में बेगम साहबा रो रो के पागल हो गई है। खुदा उसे मौत दे दे जिस बदबख्त ने उनका बच्चा उठा लिया। आज एक डॉक्टर साहब आए थे, कह रहे थे कि अगर कोई बच्चा मिल जाए तो बस यही एक सूरत है उनके ठीक होने की। मगर अजीम के अब्बा, उन्हें अपना बच्चा देगा कौन? कौन देगा? एक बात कहूँ जन्नत, अगर बुरा ना माने। हाँ कहो। देख जन्नत, बदी करने वाला तो बदी कर गया है? अब अगर तू चाहे तो हम एक नेकी भी कर सकती है। वो कैसे? अल्लाह मियां ने हमें दो फूल दिए ना, तो क्यों ना हम एक फूल बेगम साहिबा के दामन में सजा दें। होश की बात करो अजीम के अब्बा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं जानता था कि तू यही कहेगी, मगर याद कर जन्नत, मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था, जिंदगी एक बोझ बनकर रह गई थी। उन्होंने मुझे अपनी नौकरी दी, मेरी हर जरूरत को पूरा किया, मेरा घर बसाया, अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा, इतने बहुत सारे। मुझे उनके सारे एहसानात याद है, मगर कौन ऐसी माँ जो एहसानात के बदले में अपने बच्चे को बेच देगी? तू मेरी बात को सुन ले। मैं सुन चुकी हूँ तुम्हारी बातें। देख जन्नत, जरा माँ बन के सोच। खुदा के वास्ते अजीम की अब्बा, कोई और बात करो। बाप का जहन ऐसी बात सोच सकता है, माँ का दिल नहीं। तू मेरे पास बैठ तो सही, की जो वही जो तेरा दिल चाहे, मगर मेरी बात तो सुन ले। जन्नत, तू समझती है तेरे बच्चे को छीन कर मैं तुझ पे जुल्म करना चाहता हूँ? अरे बात ये नहीं है, सलीम सिर्फ चंद दिन के लिए तुझसे दूर जाएगा, बच्चे स्कूल जाते ही हैं, तो इतने दिन ये समझ के काट लीजो कि तेरा बेटा बोर्डिंग में पढ़ने गया है। बेगम साहब अच्छी हो गई तो सलीम वापस आ जाएगा। क्या कहती? मेरा सलीम वापस आ जाएगा ना? अरे क्यों नहीं, ये हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहेगा, तेरा भी जब जी चाहे मेरे साथ चल के इसको दिखाया करना। तो फिर ले जाओ इसे। ये ऐसे नहीं, इसके जरा अच्छे से कपड़े बदल दे, इसके बालों में कंघी कर दे, इसकी आंखों में सुरमा लगा दे। आज एक गरीब नौकर का बेटा
अमीर मालिकन की गोद भरने जा रहा है। बेगम देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। क्या मेरा सरफराज मिल गया? नहीं नहीं, ये मेरा सरफराज नहीं हो सकता। किसका बच्चा उठा लाए हैं आप? इसे सरफराज समझकर गोद ले लो। सरफराज समझकर? मगर क्यों? तुम बेटे को ढूंढ रही हो ना, इसे ममता की तलाश है। कहाँ है इसकी माँ? वो क्या मर गई? नहीं, इससे जुदा हो गई है। हम तो ये समझकर इसे उठा लाए थे बेगम, शायद तुम्हारी तरसी हुई ममता के साए में इसे प्यार मिल जाए। नहीं, मेरी ममता सिर्फ मेरे बच्चे को प्यार दे सकती है। मुझे मेरा सरफराज चाहिए, मुझे मेरा सरफराज चाहिए। इसे अपना सरफराज समझकर ही सीने से लगा लो बेगम। जो प्यार तुम इसे दोगी, इसके सबसे तुम्हारा सरफराज जहां कहीं भी वो है, शायद कोई उसे भी प्यार दे दे। क्या सोच रही हो बेगम? तुम इसे गोद लेना नहीं चाहती? तो हम इसे फिर दुनिया के ठोकरों में छोड़ आते हैं। ठहरिए, लाइए मुझे दीजिए। मैं इसे अपने सीने से लगाऊंगी, मैं इसे मां बनकर पालूंगी। मालिक, अगर ठीक होने के बाद बेगम साहिबा को यकीन हो गया कि वो लावारिस है, अगर ये कहते कि वो तुम्हारा बेटा है तो वो उसे गोद लेने से इनकार कर देती। हालात तुम्हारे सामने है फजलू, इन हालात में हमने जो कुछ कहा हमें माफ कर देना। माफ कर देने का हक नौकर का नहीं मालिक का होता है सरकार। मैं जन्नत से ये वादा करके बच्चे को यहाँ लाया हूँ कि जब बेगम साहिबा ठीक हो जाएंगी तो बच्चा तुझे वापस मिल जाएगा। गरीब को इस वादे की लाज रखिएगा, लाज रखिएगा मालिक। डॉक्टर साहब, ये बच्चा ही मेरी ममता का सहारा है। घबराइए नहीं बेगम साहिबा, ये सब मस होने की वजह से। बहुत कोशिश करती हूँ उसे सुलाने की, मगर ये सोता नहीं, रोता बहुत है। मैं दवा भिजवा देता हूँ, नींद आ गई तो आराम आ जाएगा। अजीम के अब्बा, मेरा सलीम कैसा है? तू बेगम साहबा से मानुस तो हो गया है ना? तुम चुप क्यों हो? क्या खबर लाए हो? दुश्मनों के मुंह में खाक, मेरे लाल का जी तो अच्छा है ना? क्या बताऊं जन्नत, बेगम साहबा उसे बहलाने की बहुत कोशिश करती है मगर वो सोता नहीं, रोता बहुत है। यूं कहो तो उसे मेरी गोद की खुशबू बेचैन रखती है। दूसरा चाहे कोई हजार सोने के पालने बनवा दे, लेकिन अब कोई माँ ला गरीब हो, मासूम औलाद को चैन की नींद उसके सीने से लग कर आती है। मैं अपने लाल के पास जाऊंगी, उसे मैं सुनाऊंगी, उसे मैं सुनाऊंगी। जन्नत, अयो जन्नत, चुप कर, बड़ा अच्छा है। लाइक मुझे दे दीजिए, बस मेरे लाइक। इतना मोटे मोटे आंसू से रो रहा है। बस मेरा लाल, बस चुप कर, मैं वारी जाऊं। अरे मिला बच्चा, लो लगे लो लो। छुप गया
सुला दिया है। अब फिर जब उसके सोने का वक्त होगा तो फिर मैं सुलाने आ जाया करूंगी। जन्नत, अगर ये तुम्हारी लोरियों से सोने का आदि हो गया तो मैं तुम्हारी जगह कैसे ले सकूंगी? जी, मैं ममता के हाथों मजबूर हूँ जन्नत। जितनी दौलत चाहे ले लो, लेकिन वादा करो किसे यह एहसास दिलाने कभी नहीं आओगी कि इसकी माँ मैं नहीं, इसकी माँ मैं नहीं तुम हो। ये आप क्या कह रही हैं बेगम साहबा? मैंने तो आपके वक्त सुकून के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखा था, बेटा बेचने का तो कभी ख्याल भी नहीं किया था। आप भी माँ हैं, आप भी अपने बेटे को सीने से लगा चुकी हैं। सर, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, इस दुनिया में कौन ऐसी संदिल माँ होगी जो दौलत की खातिर अपनी ममता के गले पे चुड़ी चला देगी? सुना तुमने अजीम के अब्बा, बेगम साहबा क्या कह रही है? ठीक ही कह रही है बेगम साहबा। क्या क्या मेरा बच्चा यही रहेगा? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मानता से बचा के कोई फैसला नहीं कर सकता। आओ मेरे, नहीं, 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 मुझे मेरे बच्चे से दूर ना करो, मुझे मेरे बच्चे से दूर ना करो। के लिए जन्नत अपने दिल को संभाल, मैं मालिक को वादा कर चुका। मेरी ममता किसी वादे को नहीं मानती। जन्नत, शरीक जिंदगी बनी है तो तुझे मेरे वादों में भी शरीक होना पड़ेगा। अगर तेरी ममता शौहर और बीवी के मुकद्दस रिश्ते की रकीब बन गई तो तेरा बच्चा जरूर तेरे सीने से अलगेगा, लेकिन मैं भी नहीं रहूंगा और ये घर भी नहीं रहेगा। ये संदेह मत समझ पड़नी, मैं बाप हूं, सौदागर नहीं हूं। मैंने मालिकन की जिंदगी को ढारस दी है, तेरी ममता का सौदा नहीं किया। क्या हुआ बेटे? अब्बा, मैंने ख्वाब देखा है, एक बारी मेरे भाई को उठाकर ले। मुझे भी एक ख्वाब अभी देखा। तेरे भाई को कोई नहीं ले जा सकता। वो फिर इधर आ गया। आज ही दे लाला, हर भाई अपने भाई से गले मिल रहा है, मेरा भी अपने भाई से मिलने को दिल चाह रहा है। ओ मालिक लोगों का हुक्म, मैं तुम अंदर नहीं जा सकता। लाला, तुम्हारा भी तो कोई भाई होगा, मैं तुम्हारा दिल से मिलने को नहीं चाहता। ओ इधर दिल का बात नहीं चलता, मालिक का बात चलता है, मालिक का। और तुम सोचो, हम दिल का बात मानेगा या नौकरी करेगा? लाला, ये गुब्बारा मैं अपने भाई को देकर अभी आ जाऊंगा। और गुब्बारा का बच्चा, इधर लाओ गुब्बारा। चलो छुट्टी करो, चलो चलो चलो। Thank you.
मुझे बहुत जा रहा है। क्या तुम भी मुझे आए फिर तो? मैंने तुझे कितनी बार मना किया यहाँ ना आया कर, मगर तू बाज ही नहीं आता। अब कभी यहाँ का रुक गया तो टांगें तोड़ दूंगी तेरी। दफा हो। बजलू, जब तुमने वादा किया है कि यहाँ नहीं आएगा तो फिर क्यों आया है? इंसान बड़े को तो समझा लेता है बेगम साहिबा, लेकिन बच्चे को कौन समझाए? इसकी ये आखिरी गलती समझ के इसको माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ये घर पे कभी नहीं आएगा। चल मेरे साथ। ओए अल्लाह, संभाल अपने लाशे को, ये मालिकों के फिर जा पहुंचा था। ये कुर्बानी करने का कैसा जुनून चढ़ा है तुम्हारे सर, जिसने तुम्हें बाप नहीं रहने दिया और इसका पुतला बना दिया है। एक को अपने हाथों से देकर आए हो और दूसरे की जान लेना चाहते हो। तुम मेरी ममता के दुश्मन क्यों बन गए हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बिगाड़ना बनने की बात छोड़ जन्नत, मैंने ये फैसला कर लिया कि हम ये शहर ही छोड़ देंगे। शहर छोड़ देंगे? किसके हुक्म से? सिर्फ इस ख्याल से कि रिश्तों का दर्द मर जाने या दूर चले जाने ही से कम होता। खुदा के लिए अपना फैसला बदल दो, अपना फैसला बदल दो। फैसला बदल दिया तो ये किस्सा कभी खत्म ना होगा जन्नत। तू सब्र कर सकती है, मैं सब कर सकता हूँ, मगर इस मासूम के दिल को पत्थर नहीं कर सकता। कैसे मिलने आऊंगा? चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। भाई नहीं है। क्या तुम्हारा भाई भी इस जैसा था? हाँ। कहाँ है वो? वो क्यों रोते हो बेटे? गाड़ी चली गई। कौन था तुम्हारा गाड़ी में? मेरी माँ और मेरा अब्बा। तुम गाड़ी से उतरे ही क्यों थे? अपने भाई को देखने। तो फिर? वो मेरा भाई नहीं था और गाड़ी भी चली गई। मत रो बेटी, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे माँ बाप को तलाश करूंगा। मेरा बच्चा तो कोई नहीं, लेकिन मैं औलाद के दुख दर्द को समझता हूँ। आओ। इतनी अच्छी मोटर है हमारे मुल्ले की है। चौको, चौको। काश मुझे पता चल जाए मेरा सरफराज कहाँ है, अब किस हाल में। बेगम, तुम्हारा सरफराज तुम्हारे सामने है और वो कितना खुश है। शाबाश शाबाश। मैंने आपको नहीं, तोते उड़ाने के लिए मारा था जी। आपने तो मेरे ही तोते उड़ा दिए हैं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? जी नहीं जी, चोट आए तोबा, आपने तो मेरा भेजा ही उड़ा दिया। आपका सर तो सलामत है? जी नहीं, मुझे तो नहीं पता, आपको नजर आ रहा है। हाय अल्लाह, क्या कर रही है, कुछ कीजिए ना। क्या करूं? हाय हाय, जो जी में आए कीजिए इस दर्द को दूर करने के लिए, खुदारा कीजिए। हाय कुछ आराम मिला? मेरा तो सर चकरा रहा है, फूकों से आग कुछ और भड़क उठी है, कोई और दवा कीजिए ना। दवा? तो फिर डाक बंगले चलिए। चलिए। वहाँ मेरे डैडी ठहरे हैं, शायद उनके पास दवा हो। आपके डैडी? जी हाँ। पहले तो आपने मुझे मारा, अब अपने डैडी से भी मुझे पिटवाना चाहती हैं?
तो फिर चलिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ना बाबा, वो डॉक्टर डॉक्टर बहुत इलाज लंबा कर देते हैं। ऐसा कीजिए, मुझे नगद पैसे दे दीजिए। पैसे? जी हाँ, पैसे पैसे। मैं डैमेजेस नहीं लूंगा। चलिए जल्दी से निकालिए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस वक्त मेरे पास नहीं है। अजी, लड़कियों के पास पैसे छुपाने की बहुत सी जगहें होती हैं। चलिए निकालिए पैसे। अगर मुझे मालूम होता आप मिलेंगे तो चेकबुक साथ लेकर आती। चलिए अब तो पता चल गया। वैसे मैं 2-3 दिन इसी गाँव में हूँ, कल लेती आइएगा। आज रात में दर्द में तड़प तड़प कर ही काट लूंगा। अजीब आदमी है। आइए आइए, फिर कोई नया पत्थर लेकर आई है? जी नहीं, चेक लेकर आई हूँ, ये लीजिए। वेरी गुड, कितने का बनाया? जितना जी में आए भाई लीजिए। बैंक में आपकी ओडी चलती है? पैसा काफी है। मालूम होता है वो आपके डैडी सड़कों के ठेकेदार तो नहीं है? हाँ, आपको इससे मतलब? कुछ नहीं, बस यूँ जानना चाह रहा था कि वो करते क्या है। जंगलात ठेके पे लेते हैं। तभी आप नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। बड़ा गुरूर है आपको अपनी डायरी की दौलत पर। इसलिए आई थी कि आपको मेरे हाथ से तकलीफ पहुंची। तो आपको उस तकलीफ का एहसास है? वरना आती क्यों? अगर बुरा ना माने तो आपका नाम? मुसर्रत। मुसर्रत, क्या देख रही हैं? वो कुछ नहीं, वह सोच रहा था कि आएंगे आप जब भी तोते हुए हैं तो मेरा ही सर सामने। जी आप मुझे अपने डैडी से मिलाना पसंद करेंगे? आपका बताया तो खुद ही आना चाहते थे। मुझे मारने के लिए? जी नहीं, मिलने के लिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलिए अभी मिल लेते हैं और ये चेक भी उन्हीं से कैश करवा लेते हैं। आइए आइए। क्या हुआ? शायद अम्मी ने याद किया। अपनी माँ से कभी दूर ना जाना, वरना वो भी रो रो के मर जाएगी। नहीं जाएगा ना जन्नत? नहीं जाएगा ना? पगली, ऐसी बातें करके क्यों मेरे दिल को भी खून रुलाती है तू? दो बेटों के दुख की आग में जल रही हूँ। इससे बातें करके भी अपनी ममता को ठंडा ना करूं। बस बीत गए, अब तो वो दोनों जवान हो गए होंगे। पता नहीं मुझे याद करते भी हैं या नहीं। अरे वो जहां भी हैं, अल्लाह उन्हें कभी दुखी न करे। वैसे दुख में इंसान अपनी माँ ही को याद करता है पगली। खैर, ये चारा बकरी को डाल दे, मैं डाक बंगले में जरा मेहमानों को चाय दे आऊं। अजीब इत्तफाक की बात है कि तुम हमारे ही शहर में रहते हो। जी हाँ, मैं खुद भी इत्तफाकात का बड़ा जबरदस्त कायल हूँ। देखिए ना, कभी कभी इत्तफाक इंसान को कहाँ से कहाँ ले आता है। मतलब? मैं मतलब चाय आ गई। फजलू बड़े वक्त पर चाय लाए, अभी अभी ये मेहमान तशरीफ लाए। क्या देख रहे हो बाबा? कुछ नहीं बाबूजी, आपका चेहरा देखा तो मुझे कुछ भूली हुई सूरतें याद आ गई। आपका मतलब? ये दाल बंगले का चौकीदार है, तुम जाओ फजलू बाबा, मैं चाय खुद ही बना लूंगी। अच्छा बेटी, तुम्हारे वालिद साहब क्या करते? आराम करते हैं, कारोबार मैं खुद संभालता हूँ। माँ जिंदा है? जी हाँ, अल्लाह की फजल से। चाय। शुक्रिया। मेरी चाय। क्या हुआ? लगता है आप चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। मुसर्रत ने बताया होगा। जी नहीं, चाय के घूंट से पता चला। यूं लगता है जैसे आपकी प्याली की चीनी भी मेरी प्याली में आ गई। मुसर्रत बेटी, ये क्या कर दिया? आई एम सॉरी। सॉरी। आ गई सामने, फिर को ढेला ढेला मारने गिरा था। कहाँ जा रहे हो? वापस जा रहा हूँ, कोई इतराज़।
क्यों? नहीं तो क्या सारी जिंदगी इसी गाँव में पड़ा रहूं? ओहो, तुम्हारे कितने रूप हैं? तुम्हें अगर एक के दो नजर आते हो तो दूसरी बात है, वरना मेरा एक ही रूप। जी नहीं जनाब, चाय पे कुछ और थे, अभी कुछ और। किसे सच मानो और किसे झूठ समझो। ऐसा करो, जो जी में समझ लो, अब मुझे जाने। अगर मैं जाने ना दूं तो? अरे वाह, तुम तो खामा खा मेरा गिराव कर रही हो। खुदा हाफिज। अरे अरे, मैं जा भी दो। मेरा प्यार तुम ही हो सजना, वो दिल।
पता दिया था वो तो यही है, 8786। ओके ओके। शहर के लोगों की जिंदगी तो बड़ी महफूज है, दिन के वक्त भी दरवाजे खुले छोड़ के चले जाते हैं। मगर घर के फर्द और मर्द कहाँ चले गए? चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर मैं उनका वेट करता हूँ और अपने आप को लेट करता हूँ। मगर ये कहाँ चले गए? मैं किसी गलत घर में तो नहीं है आगे? मुझे तो ये भूत बंगला लगता है। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर लेडी। बदमाश! मैं बदमाश नहीं, एक शरीर हिप्पी हूँ। तो फिर यहाँ क्या लेने आए? रहने के लिए आया। रहने के लिए आई हूँ? तुम्हारे बाप का घर है क्या? मैं इसे माँ का घर समझ के आया। वेयर इज मम्मी? तो तुम समझते हो कि मैं मम्मी के आने तक तुम्हें यहाँ बैठना दूंगी? नहीं, मैं घर रहूंगा जब। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। देखिए मोहतरमा, मुझसे प्यार से बात कीजिए, अगर तुम मुझे नफरत से बात करता है तो मुझे मिर्गी पड़ जाती। तुम मर भी जाओ तो तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी। न तड़पने की जरूरत है, न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं, ये मर्जी मेरे सही हाथ की है। आशा बेटी, ये कौन है? क्या हुआ इसे? पता नहीं मम्मी कौन है, कह रहा था मैं यहाँ रहूंगा, मैंने इसे कहा बाहर निकल जाओ, तो इसे दौरा पड़ गया। अरे अब ये ठीक कैसे होगा? इसे पढ़ तो सही। शेखू वल्द हसनैन बेग। अरे ये तो तेरे मरहूम अब्बा के दोस्त का बेटा है। बेटा बेटा क्या हुआ तुम्हें? हेलो मम्मी, हेलो मम्मी, मम्मी आपकी इस बेटी ने कहाँ चली गई? बिल्ली की बच्ची, इसे तो मैंने जान से निकाल दी थी। ये तुम्हें पहचान नहीं सकी, कब आए? मैं अभी आया हूँ, राजी आया हूँ। मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो डैडी को भी यहीं बुलवा लूंगा। अच्छा, तुम्हें बीमारी क्या है? ये बीमारी, इसे आप बीमारी नहीं कह सकते मम्मी, ये वो दौरा है, वो खपला है कि जब मैं अपनी बात किसी से मनवाना चाहूँ और वो मेरी बात ना माने और टाल दे तो मुझे ये मॉडर्न किस्म की मिर्ची पड़ती है। देखिए देखिए मुझे घूर के देख रही है, इसे कहने की डेरे पल्ली तरफ करें। नहीं नहीं, अब नहीं देखेंगे, चलो हम हाथ धो। खाना नहीं खिलाएंगे? जरूर खिलाऊंगी। आओ। जी जनाब बेटे, इतने लगा दिए तुमने? एक ही दिन तो ज्यादा हुआ है। लेकिन मेरे लिए तो एक बरस हो गया था बेटे। ससुराल बेटे। वालेकुम सलाम। भाई तुम कहीं जरा और देर लगा देते तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें लेने वहीं पहुंच जाती। आओ बैठो। वहां का सुनाओ। सब ठीक है डैडी, जो रकम वसूल हुई थी उसमें से मैंने 200 रुपये एक किसान की बीवी बीमार थी उसको दे दी। यह तुमने बहुत अच्छा किया। और डैडी वहां एक चौधरी साहब से मुलाकात हो, बड़े ही मजे के आदमी थे, बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। हाय बेटे, ये क्या हुआ? ये अम्मी वो एक शहद की मक्खी काट रही थी। शहद की मक्खी? जी हाँ, ये भी एक इत्तफाक है। हाँ तो डैडी, मैं वो चौधरी साहब की बात कर रहा था, वो इसी शहर में रहते हैं, किसी दिन उन्हें बुलवाएंगे, आप उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैं जरा नहा लूँ। हाँ बेटे जरूर जाओ, शाबाश। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ बेगम कि शहद की मक्खी, इत्तफाक, चौधरी साहब, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, इन बातों में कोई घपला मालूम होता है। चौधरी साहब से मुलाकात होगी तो मालूम हो जाएगा। तो मैं इसी खुशी में अब एक गरम गरम चाय का प्याला पिला। दफ्तर गई है बेटा। दफ्तर गई है? मगर मैंने तो उसे नौकरी के बारे में कुछ मशवरे कुछ डिस्कस करनी थी। वो कह गई है आपके दफ्तर के मालिक से मिल लेना, उनको पीए की जरूरत तो है मगर तुम्हारी अकल इस काबिल है ना शक्ल। माँ जी कुछ अकल की बात कीजिए, रोटी अकलों और शक्लों की बुनियाद पर होती तो दुनिया का हर मेरे जैसा आदमी भूखा मर जाता। मेरे लिए तो इतना ही जानना काफी है कि साजदा का बहुत जरूरतमंद है। एक बार दफ्तर पहुंचने की देर है, देखो मुझे नौकरी मिलती है या नहीं। नहीं। के बच्चे कुछ शर्म नहीं आती। कौन है आप?
आप कौन है जी? मैं कौन? मैं कोई भी हूँ, आप ही मुझे नहीं पहचान। ओ सॉरी सर, आप इस होटल के इस दफ्तर के मैनेजर साहब हैं, मालिक हैं? जी हाँ मैं मालिक हूँ, आप क्या चाहते हैं? जी मैं ये चाहता हूँ साहब कि देखिए मेरा नाम शेखू है, मैं हांगकांग से आया हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत है। लेकिन मुझे आपकी जरूरत नहीं है, तशरीफ ले जाइए। लेकिन मुझे तो आपकी जरूरत है। क्या बात है? मेरा मतलब है कि मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। यहाँ कोई नौकरी नहीं है, आप जाइए यहाँ से। देखिए मैं परदेसी हूँ, महाजर हूँ, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर पाकिस्तान में आया हूँ। मैंने सोचा था कि यहाँ मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। आप मेरा दिल ना तोड़िए और मुझे नौकरी दे दीजिए प्लीज। आप चाहते हैं या मैं चपरासी को बुलाऊं? देखिए मुझे बाहर निकालने से पहले, चपरासियों के जरिए धक्के देने से पहले जरा कुछ लेटर देख लीजिए। लेटर? जी हाँ, ये जरा इसको खोलने में मदद कीजिए। थैंक यू। देखो ये कुछ डॉक्टर रिपोर्ट है। किसकी है ये? ये मेरी रिपोर्ट है। हॉलैंड, पोलैंड, हांगकांग, नाइजीरिया के तमाम डॉक्टरों ने इसमें लिख दिया है मेरे बारे में कि अगर मुझे कोई शख्स कोई तकलीफ पहुंचाएगा, मेरा दिल दुखाएगा या जो बात मैं कहूं वो नहीं मानी जाएगी, तो मुझे इतना तबाकुन किस्म का दौरा पड़ता है जिससे कि मेरे जाया होने के 99.9% चांसेस हैं, यानी कि मैं मर सकता हूं किसी वक्त भी, किसी हालत में। तो ऐसा कीजिए, इसे ले जाइए, बाहर जाइए और जाया हो जाइए, जाइए। देखिए मैं बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो यहाँ तड़प तड़प के आपकी अपनी जान दे दूंगा। पुलिस आएगी आपको पकड़ के ले जाएगी, मुकदमा आप पर होगा, आपकी कोई जमानत देने वाला नहीं। थैंक यू, थैंक यू। क्या आपने मुझे नौकर रखने का फैसला कर लिया? जी नहीं, मैंने आपको यहाँ से बाहर निकालने का फैसला कर लिया है। अच्छा तो फिर मुझे संभालिए, देखिए कि मैं कैसे तड़पता हूँ, कैसे मरता। ये क्या बता, ये क्या कर रहे हो? ये मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे दौरे का पहला स्टार्ट है और उसके बाद देखिए क्या था। ये मेरे पास नौकरी के लिए आए, मैंने मना कर दिया, तुझे न जाने। ये लेकिन आपको इसे मना नहीं करना चाहिए, तो नौकरी पे इसको दौरा पर चलते सर। फिर ये किस किस्म का भाई यार दौरा, ये तो करे की मेरे दुलतिया मारा। सर देखिए इसे नौकरी दे दीजिए, वरना वरना ये बेचारा। मैं अब नौकरी से दे तो कैसे दे दूं? देखिए मर जाएगा सर। तो मरने दीजिए, मर गया तो इसका इनाम आपके सर लग जाएगा सर। दीजिए प्लीज। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? आप नौकरी दे दीजिए, चाहिए नौकरी का लेटर बना के लिए। गई कल जवाब तो मिस्टर तुम्हारी नौकरी हो गई है। नौकरी हो गई? हाँ। अगर ये खुशखबरी आप कुछ देर पहले सुना देते तो मेरी एनर्जी जाया ना होती। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद से जाओ, तुम्हारी नौकरी होगी, तुम अपना लेटर ले लो, जाओ। मगर जाओ, नफरत से मत कहिए, प्यार से कहिए, मैं प्यार का भूखा। जरा मुस्कुरा के कहिए, स्माइल, लिटिल लिटिल स्माइल। नहीं नहीं, आप आप तो बिल्कुल कागजी हंसी मत हंसिए, अंदर से हंसिए। आप ठीक है? आप टेरिबल थिंग, ये इस दफ्तर में रहेगा तो इस दफ्तर का क्या हाल बना। ओ खुदाया, अरे भाई तुम लोगों ने कोई तीर मारा? हाँ हाँ, हमने 65 टिकटें बेची हैं। हमने 130 बेच कर आए। भाई हमने तो 200 बेची हैं। हमारे जिम्मे 20 टिकट रह गए हैं, इन्हें बेचना चाहिए। चलो फिर कहीं और चलते हैं। चल। पिछले साल जब अमेरिका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने मुझे बेरोजगारी के सिलसिले में एक माफी किस्म की तकरीर करने के लिए बुलाया तो। अच्छा, तो आप अमेरिका भी गए थे? यस। आपने लेक्चर भी दिया था? ऑफ कोर्स। और वो भी बेरोजगारी के संगीन मसले पर। तो क्या आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकते? स्वीट लेडीज, बात ऐसी है कि वो तकरीर सिर्फ एक तकरीर ही नहीं थी बल्कि एक यादगार चीज थी। एक धमाका था, एक तूफान था, एक पटाखा था, एक शाकार था।
एक ऐसा पुकाना था जो फट गया, बल्कि एक ऐसी आंधी थी जो उठ खड़ी हुई और आप उड़ कर यहाँ पहुँच गए। बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से होता है चवन में दीद बरते। शेखू ये क्या मजमा लगाया, तुम यहाँ मेरे दफ्तर में? आप इसे जानते हैं? जी नहीं, पहचानता हूँ। अब तो मैं भी जान गया। आइए, ये बहुत सही नशीब। हम ये टिकट बेचने आए थे और ये साहब हमें बेरोजगार समझ कर मशवरा देने लगे। जी देखिए बॉस, मशवरा देना तो हर इंसान का फर्ज है, और मशवरा मैंने नेकी का दिया है, और फिर मुझे तो पता नहीं था क्योंकि ताल्लुकात समझने में कुछ देर तो लगती है। आप लोग चाय तो पी लीजिए। अगर आपका इरादा हो। अगर आप लोगों का इरादा ना भी हो तब भी आप लोगों को चाय जरूर पिलाई जाए। क्या शेखू इनके लिए अच्छी सी चाय बना दी। चपरासी जाओ बैठिए। अंकल का खत आया है, वो और उनके बेटे अजीम आ रहे हैं। कब? कल शाम। अजीम की यहाँ पोस्टिंग हो गई है ना बेटे, तुम जानती हो मेरी और जलील की दोस्ती उन हदों में पहुंच गई है जहाँ दोस्ती और खून के रिश्ते में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए अजीम इस घर में मेहमान नहीं बल्कि घर का एक फर्द बनकर रहेगा। Oh, sure, Daddy. कल शाम एयरपोर्ट लेने जाना है। कल शाम? हाँ। ओ डैडी, मैं कैसे जा सकती हूँ? कल शाम रेड क्रॉस के फंड के सिलसिले में मुझे प्रोग्राम करना है। ये देखिए ना डैडी, टिकटें बेचकर आ रहे हैं। अच्छा डैडी, ये तो बताएं आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? जो जी मैं कंट्रीब्यूट कर दूं, मेरे तरफ से इजाजत। ओह थैंक यू डैडी। अच्छा तो फिर मैं खुद ही उन्हें लेने चला जाऊंगा। हाँ, तुम प्रोग्राम से फारग होकर उनसे मिल लेना। अच्छा डैडी। ओके। बाहर वे कहें हम रे कहें।
जाने से प्यारी, ओ अपनी जाने से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से, ये है तो उसे कह दिया था बात तो सारी यही खत्म होती जीते रहो सरफराज बड़े बेमुरवत आदमी हो मियां जब से यहाँ आए हो मुलाकात ही नहीं होती ये कोई बात है क्या करूँ यहाँ आते ही कारोबार की मसरूफियात में कुछ ऐसा उलझा रहा कि नियाज हासिल ना कर सकता अच्छा जमील भाई ये शहर के नौजवान बिजनेसमैन है बड़े दिलचस्प आदमी है बातें बड़े मजे भी करते माशाल्लाह माशाल्लाह चश्मे बदूर डॉक्टर ऐसे होते क्यों मैं डॉक्टर नजर नहीं आता डॉक्टर होने और डॉक्टर नजर आने में बहुत फर्क होता है मुसर्रत बेटे आते ही पीछे पड़ गई ओ डैडी यही तो वक्त है चंद बातें करने का फिर तो ये होंगे और इनके मरीज मुसर्रत आपकी तारीफ मैं तारीफ करने के कायल नहीं आप लोग अपनी अपनी तारीफ खुद कर लें मुझे सरफराज कहते हैं मुझे अजीम कहते हैं मैं इस घर में मेहमान सुखी वही रहते हैं जो अपने आप को मेहमान समझते हैं ये दुनिया चीज ही ऐसी है जो इसे अपना समझता है चोट उसी को देती है ओहो व्हाट अ थॉट साहब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई आप जैसे जिंदा दिल लोगों में वक्त अच्छा कटेगा आपके इस घर में वक्त बहुत अच्छा कटे वो इसलिए कि चौधरी साहब बहुत मेहमान नवाज है अच्छा मैं चलो आप लोगों को अपनी बातें करने का कुछ मौका मिलना चाहिए एक कप चाय तो पीते जाओ डॉक्टर साहब को खिला दो घर पे अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी खुदा हाफिज खुदा हाफिज मैंने सब कुछ सुन लिया है और ये सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ जा रही हूँ खत मत लिखते रहिएगा अच्छे लेकिन मैंने तो ये सोचा था कि जब मैं तुझे जाने के लिए कहूंगा तो मुझे रोक मैं भला कैसे रोक सकती हूँ आपको क्यों मैं तुम्हारा राशन खा जाता हूँ ओहो नहीं ये बात नहीं है मेरा मतलब है कि जब आपकी मर्जी के खिलाफ कोई बात की जाती है तो आपको दौरा पड़ जाता है तो सहायता मुझे रोक लो वरना मुझे दौरा पड़ जाएगा अच्छा बाबा रुक जाओ नहीं रोको मुझे मुझे दौरा पड़ना शुरू कैसे रोकू मैं आपको हाथ जोड़ के रुक जाइए थैंक यू अनविलिंग लेडी चलो अब अपने हाथ से मुझे खाना खिलाओ अपने हाथ से खिलाओ वरना मुझे मैं गिरने लग मैं लगा जाऊँ नहीं 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 प्लीज आइए 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 मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ मेरा दौरा ठंडा हो जाए प्लीज बस काफी हो गया अब आ जाइए शाबाश आइए बड़ी मुश्किल से रोका है दौरे को ये बीमारी मुझे बचपन से चलो अब खाना खिला सिर्फ आलू पकाए जी वो हाँ जी ये ना मस्कीनों को मुस्कुरा कर खिला मुस्कुरा कर हाँ बस मेरा मुंह साफ करो मुंह साफ करो जी मुंह साफ करो अच्छा तालियों पर ये लीजिए बस ये मेरी चोट साफ जी चोट अच्छा ये जी जी लुक एट मी इतना हैंडसम चार्मिंग और बांग का छबीला नौजवान तो मैं इतनी सस्ती कहाँ से मिलेगी नहीं मिलेगा जी बाकी नहीं मिलेगा नहीं
मेरी हैंडसम जवानी को दौरों में जाया मैं कर रहा हूँ, प्लीज मेरा। इस मुटियार नु की करंट लग गया है, कोई गल नहीं, इन मैं फंसा के रहा, देखा जाएगा। जो पहली इन रोज मैं कहना नु तो आवा, हाँ तो फिर मैं मुतमईन होकर जाऊं। जलील भाई, मुसरत जैसी मेरी बेटी है वैसे ही तुम्हारी बेटी है। ये रिश्ता अगर हमारी दोस्ती की बुनियादों को मजबूत कर सकता है तो मैं पागल नहीं जो इससे इनकार करूं। वैसे बच्चों से राय मालूम करना वालदेन का फर्ज होता है। अजीम से मुसरत का सलूक देखकर मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमने ये फैसला गलत नहीं किया। ये कहकर तुमने मेरा सारा बोझ हल्का कर दिया। जनाब, चोरों की तरह यहाँ क्या सुन रहे हैं? जो सुनना था सुन लिया। अरे क्या सुन लिया है आपने? थी एक मतलब की बात। किसके मतलब की बात? हमारे मतलब की बात। हमारे मतलब की बात? अजीब आदमी है आप। डैडी, डैडी प्लीज बताइए ना, आपने क्या कहा और इन्होंने क्या सुना है? बता देंगे बेटे, बता देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। फिलहाल जलील अंकल से मिलो, आज ये जा रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ बेटी, एक जरूरी काम है। चलिए डैडी, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ता हूँ, अस्पताल चला जाऊंगा, आज मुझे चार्ज लेना है। तो फिर कब आएंगे अंकल? जब तुम बुलाओगी बेटी। हाँ? जब मैं बुलाऊंगी? हाँ। अच्छा, तो फिर आप बाहर तशरीफ ले जाइए, मैं आपको अभी बुलाती हूँ। बहुत अच्छी जीती रहो। डॉक्टर साहब मुबारक हो, आपको पूरे अस्पताल का इंचार्ज बना दिया गया। सर, आपको इस खुशी में पार्टी देना होगी। पार्टी देने में मुझे कोई एतराज नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं खुद किसी के मेहमान ठहरा हुआ, जब तक उन लोगों से बात न कर लूं आपको कैसे इनवाइट कर सकता हूं। वैसे ये पार्टी होगी जरूर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सॉरी। क्या बात है, बहुत खुश है, कोई लड़की तो पसंद नहीं कर ली? लड़की? दरअसल बात यह है कि मैं तो सिर्फ यहाँ डॉक्टर बनने के लिए आया था, लेकिन मुझे अस्पताल का इंचार्ज बना दिया गया है। अच्छा, ये तो खुशी की बात है बेटे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद हमें दीजिए डैडी, ये सिर्फ मेरी दुआओं का असर है। हाँ शुक्रिया। और हाँ अंकल, वो अस्पताल का स्टाफ मुझसे पार्टी मांग रहा है। कब? यही तो आपसे मशवरा करना है। अरे भाई, मशवरे की क्या जरूरत है, जिस जिसको बुला रहा हूँ बुला लीजिए, पार्टी हम देंगे, आपका अपना घर है। और आप हमें कुछ इनाम देंगे, इसलिए कि मुफ्त की दवाओं की तरह मुफ्त की दुआएं भी कुछ ज्यादा असर नहीं क्या करती। हाँ हाँ, मैं आपको आपकी पसंद का तोहफा जरूर दूंगा। तो जाइए, फिर हम भी पार्टी का वो इंतजाम करेंगे कि आप भी याद करेंगे। हाँ सर, हो सके तो सरफराज साहब को भी बुला लो, ना जाने क्यों अच्छे लगे, चंद लम्हे मिले और अपनाइयत का एहसास जगा कर चले गए। नंबर मैं मिला देती हूँ, बात आप कर लीजिए। ओके, अच्छा बेटा मैं चला। हेलो जी, सरफराज बोल। आपने पहचाना नहीं, मैं अजीम बोल रहा हूँ, मुसरत के यहाँ एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी। जी जी, फरमाइए कैसे याद किया? खुशी के मौकों पर जो लोग अच्छे लगे इंसान उन्हें अपने करीब देखना चाहता है। यहाँ कल एक छोटी सी तकरीब है, मेरी आरजू है आप जरूर आए। आप कहाँ से बोल रहे? मुसरत के यहाँ से, मेरे पास ही खड़ी हैं। आप शायद ना आने का बहाना सोच रहे हैं, अगर आप ना आए तो मैं ये समझूंगा कि आपके बारे में मैंने जो तसव्वुर कायम किया था वो मुझे धोखा दे गया है। आप आएंगे ना? जी हाँ, हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज़। आपकी पार्टी के मेहमान यहाँ आए बैठे और आप क्या किसी और पार्टी में चले गए थे? नहीं, वो पीछे क्या छुपा रखा है? आपने मेरे लिए दुआएं जो मांगी थी उनका ही नाम है। तो आप सच में चले आए? तो क्या आपने झूठ कहा था? मैंने तो आपसे मजाक किया था। मैं उसे हकीकत समझा, आज जिंदगी में पहली बार किसी को तोहफा देने का मौका मिला है। जाने आपको पसंद भी आता है नहीं, जरा पहन कर तो दिखाइए। मगर डॉक्टर साहब, दिल से लाए हुए तो फिर ठुकराए नहीं जाते बेटे, पहन लो कोई बात नहीं। अच्छा लाइए। सरफराज साहब, आए भी और चल भी दिए। अपने
अपने लिए जगह ढूंढ रहा था। हमसे कहती किसी गलत जगह पे बैठ जाती तो खामाखा उठा दिए जाते। और सुनो, ये डॉक्टर बनने आए थे और इन्हें अस्पताल के इंचार्ज बना दिया गया। माशाल्लाह, बहुत थोड़े से अरसे में बहुत कुछ पा लिया है आपने। ये सब आप लोगों की दुआओं का असर है। सबकी नहीं, सिर्फ मेरी। आप ही किसे? सरफराज साहब, मुसरत ने बताया है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। इनका क्या है, जिस जर्रे को जब चाहे आफ्ताब बनाते। थैंक यू। इस खुशी के मौके पर मेरा दिल चाहता है कि आप जरूर गाएं। जी मैं पेशावर नहीं हूँ। लेकिन नखरे तो आप बिल्कुल उनकी तरह कर रहे हैं। कलाकार साहब, गा दीजिए, वादा रहा। गाना पसंद ना भी आए तो सुनेंगे जरूर। ये तो आपसे मजाक कर रही है। मैं आपको भाई समझ कर आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप जरूर गाएं। आपका भाई भी कहता तो फिर भी आप इनकार कर देते? जी मैं जरूर गाऊंगा। आज गम दे दिया, कल खुशी बख्श दी। आज गम दे दिया, कल खुशी बख्श दी। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, रोज करते हैं ये एक वादा नया। रोज करते हैं ये एक वादा नया, इनके वादों का कोई भरोसा नहीं। आज गम दे दिया, कल खुशी बख्श दी। बेवफाई कभी जानते हैं वफा, इनके चेहरे कई और कई रूप हैं। जानते हैं वफा, इनके चेहरे कई और कई रूप हैं। रोज होता है अंदाज़ इनका नया, ये है साया कभी और कभी धूप है। रुखवाओं की सूरत बदलते हैं ये, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं। आज हम दे दिया, कल खुशी बख्श दे। प्यार का आग दिल में लगा कर बुझाते नहीं। भूल जाते हैं ये देखे हम प्यार का आग दिल में लगा कर बुझाते नहीं। प्यार इनकी निगाहों में एक खेल है, रस्में पत्त किसी से निभाते नहीं। एक पल में इधर एक पल में उधर, इनकी नजरों का कोई भरोसा नहीं। आज गम दे दिया, कल खुशी बख्श दे। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, रोज करते हैं ये एक वादा नया। इनके वादों का कोई भरोसा नहीं, आज गम दे दिया, कल खुशी बख्श दी। खैर सरफराज,
नई जिंदगी मुबारक। जिस जिंदगी का ताना दे रहे हैं वो तुम्हारी नजरों का धोखा है। धोखा खाकर ही असलियत का पता चलता है। सरफराज मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और दिल जो ही डॉक्टर की करना चाहती हूँ। आईना मोहताज रहना, मैं तो इस तब को सीने से लगाकर जी लूंगा, लेकिन शायद तुम्हारे डॉक्टर में इतना हौसला ना हो। डॉक्टर को अपना दोस्त समझो सरफराज, दिल के मामला भी कितने अजीब हैं। हम जिन्हें अपना दोस्त समझते हैं भाई हमारे रकीब हैं। हम आपके रकीब नहीं, हमें ये बद्दुआ मत दो। मेरी बद्दुआओं से आपको क्या फर्क पड़ता है, दुआएं देने वाले तो आपके पास खड़े हैं। यही गलत फहमी तो आपके चले आने से दूर हुई, वरना कैसे पता चलता आप और मुसरत एक दूसरे से कितने करीब हैं। अब ये कुर्बत आप ही को मुबारक हो। सरफराज उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर, यकीन कीजिए पहली मुलाकात से लेकर अब तक आपको भाई की नजर से देखा है। भाई भाई को खुशियां दे तो सकता है, उसकी खुशियां छीन नहीं सकता। आइंदा हम आपके और मुसरत के प्यार के दरमियान सिर्फ डॉक्टर बनकर आएंगे, रकीब बनकर नहीं। दिल साफ नहीं हुआ डॉक्टर साहब? जीते रहिए। बेटे एक आस टूट जाने से बरसों के रिश्ते तो नहीं टूट जाते। कौन कहता है अंकल? तो फिर ये घर छोड़कर अस्पताल में रहने का अचानक फैसला तुमने क्यों किया? ऐसी तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं अंकल, डॉक्टर की जरूरत मरीजों को ज्यादा होती है। अस्पताल में रहकर मैं अपना फर्ज ज्यादा अच्छी तरह अदा कर सकूंगा। हमने सोचा था हम आपको सुख देंगे, लेकिन मुझे दुख है आप यहाँ से बहुत कुछ खोकर जा रहे हैं। ये सब कुछ अनजाने में हुआ है डॉक्टर बेटे, अनजाने में होने वाली बातों का किसी को इल्जाम भी तो नहीं दिया जा सकता। रही खोने की बात तो जिंदगी में इतना कुछ खोया है कि आप पा लेने की खुशी या खो देने का गम हवा का झोंका बनकर आते हैं और छूकर निकल जाते हैं। मेरी दुआ है कोई दुख आपके करीब ना आए। अच्छा खुदा खुदा साहब, आपने हमें टाइम दिया था ना, मैं अपनी बेटी को ले आई हूँ, उसे देख लीजिए ना। हाँ बुलाइए। शब्बो शब्बो आओ बेटी। डॉक्टर साहब ये है मेरी बेटी शब्बो। आई अब ऊपर बैठ जाए। मैं से ठीक हूँ शब्बो, जिस तरह डॉक्टर साहब कहते वैसे करो। माफ कीजिएगा आप बाहर तशरीफ रखें। जो कुछ पूछना है आप मेरे सामने पूछिए ना डॉक्टर साहब। देखिए बात यह है कि मामले की तह में पहुंचने के लिए जरूरी होता है कि डॉक्टर और वकील को एतमाद में लिया जाए। आप जरा बाहर तशरीफ रखें। कहिए क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब आप मेरा रोग नहीं समझ सकते, जो फीस लेनी है वसूल कीजिए और हमें छुट्टी दीजिए। ये इसी तरह की बातें करती है डॉक्टर साहब, ना खाती है ना पीती है ना हंसती है ना बोलती, सोते में चौंक चौंक पड़ती है। देखिए मैंने अर्ज किया है आप बाहर तशरीफ रखें, ये सब बातें मैं इनकी जुबानी सुनना चाहता हूँ, आप बाहर तशरीफ ले जाए। देखिए डॉक्टर जी। हाँ मैं डॉक्टर अजीम बोल रहा हूँ जी। कौन है आप? डॉक्टर साहब आप सवाल मत कीजिएगा, ताकि आपके पास खड़े लोग इस फोन के बारे में न जान सके, सिर्फ मेरी बातें सुनते जाइए। फरमाइए। मेरी अम्मी आपकी बहुत तारीफ सुनकर मेरी बहन शब्बो को आपके पास इलाज के लिए लाई है, मगर वो अम्मी के सामने आपको कुछ नहीं बताएगी। मरीजा की बीमारी जानना चाहते हैं तो अम्मी को मशवरा दीजिए कि वो उसे घूमने फिरने की इजाजत दे दे। मैं कल सुबह उसको पार्क में लेकर आऊंगी। आपको इंसानियत का वास्ता है, जरूर आइएगा, ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। बेहतर है मैं आ जाऊंगा। शुक्रिया खुदा हाफिज। कुछ पता चला डॉक्टर साहब? मामला कुछ उलझा हुआ है, इसे किसी तरह ठीक कर दीजिए ना डॉक्टर साहब। अब आपसे क्या छुपाना, जब से जवान हुई एक टका कमा कर नहीं दिया, कैसे कैसे लोग आए इसका रोना धोना सुनकर आसपास के कोठों पर चले गए। जब
आसपास के कोठों पे से साजो और घुंघरू की आवाज आती है। मेरा तो मर जाने को जी चाहता है डॉक्टर साहब। घबराइए नहीं, मौत का एक दिन मुयन है। फिलहाल आप इन्हें सुबह सैर के लिए बाहर भेजा करें, मर्ज की जड़ का पता चल गया तो ये ठीक हो जाएंगी। खुदा करे बिटिया के पैरों में घुंघरू बांधने में आप ही का हाथ हो डॉक्टर साहब। जी आपकी फीस। रहने दीजिए, ये ठीक हो जाए फिर ले लूंगा। खुदा आपको सलामत रखे। आ बेटी आ। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? इलाज के लिए। कैसा इलाज? डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं, लो वो आगे, इन्हें ठीक ठीक हाल बताना। अच्छा क्षमा। वालेकुम अस्सलाम। सुना था आपके यहाँ जाहिलों को तहजीब सिखाई जाती है, लेकिन आज पता चला आपके यहाँ सलाम का जवाब भी मुंह फेर कर दिया जाता है। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? इंसानियत से मजबूर होकर। आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ कि आपका। डॉक्टर साहब खुदा के लिए इसकी जबान बंद रखिए। मैं इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान से बदजन नहीं होना चाहती। आप मुझे गलत समझिए, दरअसल बात यह है कि मैं आपका मर्ज जानना चाहता हूँ। इतना कुछ सुनकर भी आप मेरा मर्ज नहीं समझ सके तो सुनिए डॉक्टर, मेरी माँ की आरज़ू है कि मैं खुशी से अपना इंसान नुमा दरिंदों के हवाले कर दूँ। मेरा जमीर नहीं मानता, ये है मेरा मर्ज। दुनिया मेरे पैरों में घुंघरू देखना चाहती है, मुझे उनसे नफरत है, ये है मेरी बीमारी। इसका इलाज? मैं जानती हूँ सुकून मुझे डॉक्टर की दवा नहीं सिर्फ मौत ही दे सकती है। तो आप खुदकुशी कर लेंगे? कैसी जिंदगी मैं गुजार रही हूँ डॉक्टर, उसका खात्मा खुदकुशी ही से हो सकता है। ये देखिए फूल कितना खूबसूरत है। आपने कभी अपने आप को आईने में देखा? खूबसूरती और जिंदगी खुदा की देन है। जब ये चीजें उसने खुद ही एक दिन वापस ले लेनी है तो खूबसूरती को मिटाने और जिंदगी का खात्मा करने का इंसान को क्या हक पहुंचता है। जिंदा रहिए, खुश रहिए और हालात का डट कर मुकाबला करने का हौसला पैदा कीजिए। यही इस दुनिया में आने का मकसद है और यही कुदरत की मंशा है। खुदा तुम्हें सही डॉक्टर मिला है, अब तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। नहीं है तो मैं क्या करूं? आप जाइए, मुझे क्या कहती? तुम नहीं आओगे जनाब, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मैं कहती हूँ तुम्हें आना पड़ेगा। देखो इस तरह रोब में आकर तो मैं 100 साल तक नहीं आऊँ। देखो सोच लो, कुछ और भी कहना है या टेलीफोन बंद कर दूँ? अच्छा ना, अगर 100 साल भी मैं तुमसे मिली तो मेरा नाम बदल देना। हेलो हेलो मुसरत, नाराज हो गई है। चलो बेटा, अब तो मनाने के लिए उसके पीछे जाना ही पड़ेगा। शब्बू शब्बू जल्दी से बीमार बन जाओ, माँ डॉक्टर साहब को लेकर आ रही है। आइए आइए डॉक्टर साहब। आदावस डॉक्टर साहब, माँ मलक साहब आए थे, उन्हें जाकर जरा मिल लो। पहले डॉक्टर साहब देख लें फिर जाकर मिल लूंगी। पता नहीं क्या बात है, बहुत गुस्से में थे, फौरन मिलने को कह गई। उनके तकादे सुन सुनकर तो पागल हो गई हूँ, कहीं और जाने का इरादा ना कर लिया। आइए डॉक्टर साहब, तशरीफ रखिए। तस्लीम जीती रही है। जी किसके लिए? जिंदगी के लिए। मेरे लिए तो जिंदगी का दूसरा नाम आप हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर जिंदगी तो नहीं देता, जीने का आसरा जरूर होता है। आपकी अम्मी तो कह रही थी कि आपकी तबीयत नासाज है, मगर आप तो बड़ी सेहतमंद नजर आ रही हैं। आपसे बातें करने को जी चाहा, आपको बुला लिया, जहमत देने की माफी चाहती हूँ। मेरी बातों से
कुछ हौसला मिला? जीने की राह मिली है। अब आप साबित कदम ना रही तो मुझे दुख होगा। कदम लड़खड़ाने लगे तो आपको आवाज दे लूंगी। एक मशवरा दूं, मानेंगी? अब तो हुक्म ही आपका मानती हूँ। आप शादी क्यों नहीं कर लेती? किससे? किसी अच्छे आदमी से। किसी अच्छे आदमी का इस माहौल में गुजर कहाँ डॉक्टर साहब? जनाब का मेरे बारे में क्या ख्याल है? जी, आपके बारे में? क्या मैं अच्छा आदमी नहीं? आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं डॉक्टर साहब। जब मैं यहाँ आ सकता हूँ तो क्या कोई और अच्छा आदमी यहाँ नहीं आ सकता? आप पहले आदमी हैं जिसने किसी और को अपनाने का मशवरा दिया है, वरना जो भी इस कोठे की सीढ़ियां चढ़ के आता है अपने कंधों पर उठाकर पार लगाने की बात करता है। अपने अपने जर्फ और हौसले की बात है। अच्छा, मैं चल रहा हूँ। इतनी जल्दी डॉक्टर साहब? मेरी गैर हाजिरी में कोई सीरियस केस भी आ सकता है। अब आप अच्छी हो जाएं, वरना मुझे अस्पताल इसी घर में खोलना पड़ेगा। मेरे ऐसे नसीब कहाँ डॉक्टर साहब। देखना बेटी, कहीं मेरे हिस्से की चीनी उनके प्याले में ना डाल देना। मेरे हिस्से की चीनी आपके प्याले में भी जा सकती है। मिल गया ना मेरे खिलाफ दोनों। अरे नहीं बेटी, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। तो आप इसे ट्रेजेडी समझ बैठी। डैडी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ बेटी, खूब याद दिलाया। हाँ तो बरखुदार, मैं तुम्हारे मम्मी और डैडी के बारे में पूछ रहा था। जी हाँ, मैंने आपका जिक्र किया था घर पे। मम्मी कहने लगी, उग गया चंदा, सो गए तारे, छुप गया चंदा, सो गए तारे, राज दुलारे, सो जा तू, सो चौधरी साहब से मिलने आया था। आपकी तत्फरी आवाज मुझे यहां तक खींच लाई। ये मेरी बीवी है बाबूजी। क्या दुख है इन्हें? क्या बताऊं बेटे, माजी की यादें इसका न मिटने वाला रोग बन चुकी हैं। जब दुख हद से बढ़ जाता है तो यूं ही लोरी गाने लगती है पगली। मैं पागल नहीं हूं बेटा, और अगर सचमुच में पागल हूँ
तो फिर दुनिया की सारी माएं पागल हैं। अरे आप भूल भी जाए इन बातों को वरना ये तेरी जान ले लेंगी। ले ये दवा पी ले। मालूम होता है मर्ज काफी बढ़ चुका है। गांव में इनका इलाज नहीं होगा बाबा, आप इन्हें शहर ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? डॉक्टर बाबू जी, ये लो बाबा इनके इलाज के लिए। नहीं बाबू जी नहीं। रख लो बाबा, मैं तुम लोगों को गरीब जानकर नहीं इनको अपनी माँ समझ कर दे रहा हूँ। माँ, अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा इलाज के लिए पैसे देता तो क्या तुम नहीं लेती? बोलो माँ। ले लो बाबा, रख लो। गरीब माँ के घर पहली बार आए हो तो मैं तुम्हें और तो कुछ नहीं दे सकती। इधर आओ, मैं तुम्हारा माथा चूमकर तुम्हें प्यार तो दे दूँ। दावत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या डॉक्टर साहब? आपको जिस माहौल से बेदार हैं, मुझे भी उसी माहौल में बुला रही हैं। आपके आने से उस वीराने में भी बाहर के आसार पैदा हो गए हैं। मुझे बुलाइए जरूर, मगर मेरी एक शर्त होगी। हुक्म कीजिए, आपकी हर शर्त सर आंखों पर। वादा कीजिए आप मेरे सामने फूल बनकर मुस्कुराएंगी और क्षमा बनकर जगमगाएंगी। आप आए तो सही, जाने में क्या क्या बन जाऊंगी। बेटी, खुदा करे तुम्हारी और मेरे सरफराज की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आपको मुबारक हो भाई साहब, आपको भी मुबारक हो। लो, मुंह मीठा कर लो। शुक्रिया, आप भी मुंह मीठा कर लो बहन। तुम भी मुंह मीठा कर लो बेटी। सलाम भाई साहब। नील शराबी, तवायफों के रसिया, तू अभी तक मरा नहीं। मैंने जिस तरह बेइज्जत करके तुझे घर से निकाला था, तेरे खून में जरा सी भी गैरत होती तो डूब मरता। मैं पूछता हूँ तूने इस घर में कदम क्यों रखा, क्या लेने आया है यहाँ? बेगैरत, इतना कुछ सुनने के बावजूद हंसता है। हंसता इसलिए हूँ कि जिन बातों का ताल्लुक मेरी जात से है, जब उन पर इतना बेइज्जत कर सकते हैं, तो जिस बात का ताल्लुक भाभी की ममता से है, वो बताऊंगा तो क्या सलूक करेंगे? तुम कहना क्या चाहते हो? एक रात तवायत के कोठे पर मेरी इज्जत का सवाल आ गया था। मैं आपसे कुछ पैसे मांगने आया था। उस रात इस घर में आपके बेटे की तकरीब थी, आपने मुझे जलील करके निकाल दिया था। वो रात याद है ना भाभी? उस रात तूने क्या किया था? जिल्लत तवायत के कोठे पर भी मुंतजर थी और बेइज्जत आपने भी कर दिया था। मुजरिमाना सोच जिल्लत की कोख से जन्म लेती है भाभी। इस घर से निकलकर जहन ने मुझे एक भयानक जुर्म करने पर आमादा किया था और उसी रात मैंने इस घर की खुशियों के सीने में अपने इंतकाम का खंजर खोद दिया था। किसी को पता भी नहीं चला और मैं अपना काम कर गया। तो क्या तूने हमारे बेटे को अगवा किया था? हमारे बेटे का कातिल तू है? मैं उसे कत्ल ही करना चाहता था, मगर न जाने कौन सी ताकत थी जो मुझे उसकी परवरिश पर मजबूर करती रही। वो आहिस्ता आहिस्ता जवान होता गया और मेरे दिल में भड़की हुई इंतकाम की आग ठंडी होती गई। तो क्या हमारा बेटा जिंदा है? मैं आपका सौतेला भाई सही, लेकिन आपके बेटे को कत्ल नहीं कर सका। उसे आप लोगों से दूर रखकर मैं आपको और तड़पाना चाहता था, अपनी जिल्लत का और इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन मैं अंदर से टूट गया। अब जमीर की खलिश से मजबूर होकर आपका बेटा वापस करने आया हूं। कहां है मेरा बेटा? पहले वादा करें आप मुझे माफ कर देंगे। तुमने खबर इतनी बड़ी सुनाई है जिसके बदले में तुम्हारे सारे गुनाह माफ किए। खुदा के लिए जल्दी बताओ मेरा लाल कहां है। चलिए मेरे साथ आइए सरकार। कल्याण रहमत कहाँ मार गया? सब जल्दी आओ।
जी बेगम साहब। अरे मेरा बेटा मिल गया है। रहमत तुम जल्दी से गुस्साखाने में गर्म पानी लगा दो और तुम इसका कपड़ों का इंतजाम कर दो और तुम जल्दी से इसका कमरा साफ करवा दो और जल्दी के देकर पकवा कर गरीबों में तकसीम करवा दो। चलो चलो बेटे, ये है तुम्हारा घर। अब तुम सारी बातें भूलकर माँ की नजरों के सामने रहोगे। चलो चलो पहले मेरे कमरे में चल के नहा लो। चलो ना शाबाश। कौन है जिसे पाकर अम्मी इस कदर खुश है? बताइए ना डैडी, आप चुप क्यों हैं? अरे हाँ, वो हम तुम्हें ये बताना भूल ही गए थे कि तुम्हारे पैदा होने से पहले हमने वो एक नौकर का बेटा गोद ले लिया था। नौकर का बेटा? हाँ, एक दिन घर के हंगामों में कोई उसे उठाकर ले गया था और चूंकि तुम्हारी अम्मी ने उसे मां बनकर पाला था इसलिए अपनी अम्मी को खुश देखकर हैरान ना हो। हमसे वादा करो बेटे कि तुम हमेशा उसे भाई समझोगे और उसे कभी यह एहसास नहीं होने दोगे कि तुम्हारा वो भाई नहीं नौकर का बेटा है। किसी को भाई कहने के लिए मैं भी तरस कहता रहती। अब यकीन रखिए मैं उन्हें भाई से ज्यादा चाहूंगा। मैं भी जाकर उनसे मिलता हूँ। वाह अम्मी, अपने खोए हुए बेटे को पाने की खुशी में हम इस तरह भूल गए जैसे हम आपके बेटे ही नहीं। कहाँ है मेरा भाई? क्या कहने उसे? बस सिर्फ इस वक्त गले लगाना है उसे। थका हुआ है, थोड़ी देर आराम करने दो फिर गले लगा लेना। नहीं अम्मी, अभी इसी वक्त। क्या है जो दिया तो उसे आराम करने दो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग बेटे। अम्मी एक रसगुल्ला इधर। प्लेट रखिए, खुद निकाल कर खा लो। अरे वाह, छोटे तो हम है, माँ के हाथ से खाने का हमारा दादा है। क्यों भैया? इधर आओ बेटे, तुम्हें हम खिलाते। एक ही बात है डैडी। ये क्या है? ये बाजार गया था डैडी, दो कमीजें पसंद आ गई, एक मैंने अपने लिए खरीद ली और एक भाई जान के। देखिए भाई जान, तुम दोनों ही रख लो, हम अपनी पसंद की खुद खरीद लेंगे। अरे आप देखिए तो सही, आपको जरूर पसंद आए। इसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है तुम्हें क्या मालूम? अरे जुम्मन, ये क्या अदल बदल कर रहे हो? बेगम साहिबा के हुक्म से ये कमरा छोटे साहब को दे दिया गया है। छोटे साहब को दे दिया गया, तो फिर मेरा कमरा? आपके लिए नीचे गैराज के बराबर वाला कमरा मखसूस कर दिया गया है। जम्मी चाबी भरवा, गाड़ी फिर उसको चाहिए। मैं दूसरी गाड़ी में चला जाऊँ। दूसरी गाड़ी मुझे जाना है, तुम टैक्सी में चले जाओ। जी अब टैक्सी में। क्यों? टैक्सी में जाने से तुम्हारी शान में फर्क पड़ जाएगा। तस्लीम, जीते रहिए। किसके लिए? फैसला आप खुद कीजिए। अच्छा, सोचेंगे। आप अचानक यहाँ? साथ ही एक मरीज को देखने के लिए आया था, सोचा आपको भी देखकर चलो। खुदा भी कितना अजीम है, कभी दुआ मांगते ही पूरी कर लेता है। बखुदा मैं आप ही के बारे में सोच रही थी, कभी आपने भी मेरे बारे में सोचा है? सोचता ना तो देखने क्यों चला था? सच डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर ही क्या है जिसे अपने मरीज का ख्याल ना हो। तो आप अब तक मुझे मरीज ही समझते हैं? समझता था, लेकिन आपको इस तरह दुआएं मांगते और खूबसूरत बातें करते देखकर कौन कह सकता है कि आप मरीज हैं? जब मैं मरीज ही नहीं तो आप मुझे देखने क्यों आए हैं? वैसे ही जैसे कुछ लोग मरीज ना होते हुए भी डॉक्टर का वक्त खराब करने चले आते हैं। अच्छा तो थोड़ा सा वक्त और खराब कर लीजिए और ये चाय पी लीजिए। अरे मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सारे घर को मेरे आने का पहले से इल्म था। डॉक्टर साहब, इस घर में तो बातें ही आपकी होती हैं, कोई किसी ढंग से करता है कोई किसी ढंग से। अच्छा ये बात है तो चलिए चाय बनाइए।
बस चौक। क्यों जी, मन्नी की अंगूठी पहनाकर मुंह फेरने की आदत क्यों अपना ली है? ए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बोलती रहिए, ऐसी आवाज जिंदगी में पहली बार सुनी। कौन हो तुम? आप जिसके दफ्तर में आई। सरफराज का है? मैं आपके सामने खड़ा। ये तो मैं भी देख रही हूँ, शायद तुम सरफराज के कोई बदतमीज दोस्त हो। मैं उसकी इज्जत हूँ। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दोस्तों की इज्जत से बात करने के आदाब नहीं सिखाया? हम ऊंची सोसाइटी के लोग हैं और ऊंची सोसाइटी में किसी की इज्जत से बेतकल्लुफ होने को बुरा नहीं समझा जाता। इसका जवाब तुम्हें सरफराज देगा। शरत यहाँ ही? जी हाँ, आपके भाई ने उनके साथ मिसबिहेव किया है, वो बहुत गुस्से में गई है। भाई साहब का? वो भी उनके पीछे चले गए। बात ना करो। मुझे मालूम हुआ है कि तुम दफ्तर आई थी और तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी हुई। अख बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो मेरा भाई था। भाई की इज्जत का दुश्मन भाई नहीं हो सकता। तुमने उसे अपने बारे में बता दिया होता? मैंने उसे बताया था कि मैं सरफराज की इज्जत हूँ, लेकिन वो कहने लगा ऊंची सोसाइटी में दूसरों की इज्जत से बेतकल्लुफ होने को बुरा नहीं समझा जाता। शरत, मेरे भाई के सुलूक से जो तुम्हें तकलीफ पहुंची है, उसके लिए तुम मुझे उस वक्त तक माफ न करना जब तक वो खुद आकर तुमसे माफी न मांग ले। आइए, कहो क्या कहना चाहते हो? आपने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, आपको चलकर उससे माफी मांगनी होगी। तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जो दफ्तर में आई थी। आपने ठीक समझा है, लड़की खूबसूरत है, वो मेरी इज्जत है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कोई और उससे प्यार नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? हम उसे चाहते हैं। अगर ये बात दोबारा कही तो इस घर में तूफान आ जाएगा। उसे पाने के लिए हम हर तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आज तक मैंने तुम्हें जिस इज्जत की निगाह से देखा है, तुम उसके मुस्तहिक नहीं थे। अगर तुम माफ से तुम पर आ ही गए हो तो फिर एक बात तुम भी सुन लो, मुझे इज्जत की निगाह से देखकर तुमने कोई एहसान नहीं किया, ये तुम्हारा फर्ज था। बात यहाँ तक आ पहुंची है तो मुझे भी तुम्हारी गलत फहमी दूर कर देनी चाहिए कि तुम मेरे बाप के नहीं उनके नौकर के बेटे हो। बात खुल ही गई है तो फिर एक बात तुम भी सुन लो, नौकर का बेटा मैं नहीं तुम हो। फिरोज, क्या बात है? अम्मी, जिन चिंगारियों को आज तक मैं अपने सीने में दबाए बैठा था वो आज बिखर गई है। मैंने आपकी बेरुखी उसी दिन महसूस कर ली थी जिस दिन इसने इस घर में कदम रखा था, और आज मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं आपका नहीं किसी नौकर का बेटा हूँ। तुमने जो कुछ सुना ठीक सुना है, लेकिन आपने तो मैंने तुम्हें गोद लेकर अपनी ममता को फरेब दिया था। अब जबकि मेरा अपना बेटा मिल गया है, तुम्हारी हकीकत तुम्हारे सामने आ गई है। आओ फिरोज। हमें डैडी कहो बेटे। मैं तो एक नौकर का बेटा हूँ, और कोई सिर्फ किसी नौकर के बेटे का डैडी नहीं हो सकता। बताइए मिर्जा साहब, इस झूठ पर चांदी का कफन डालने से पहले आपने ये क्यों नहीं सोचा कि इस बात के खुल जाने से मुझ पर क्या बीतेगी? सरफराज, मुझे इस नाम से ना पुकारिए जो आपकी बेगम साहबा ने अपनी ममता को फरेब देने के लिए मुझे दिया था। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए मिर्जा साहब, क्या मेरे माँ बाप जिंदा है? क्या मैं इस दुनिया में तन्हा हूं? अगर कोई मेरा अपना है तो कहां है? ये मिर्जा साहब जवाब दीजिए। तुम्हारे मां बाप के अलावा तुम्हारा एक भाई भी था, लेकिन वो कहां है, किस हाल में है, ये हम नहीं जानते। अब कुछ नहीं बता सकते। अगर आप कुछ नहीं बता सकते तो
मेरी तड़प खुद उन्हें ढूंढ लेगी। क्या हुआ अजीम की माँ? मेरे किसी लाल ने मुझे आवाज दी है। दुनिया वालों ने पता नहीं मेरे किस बेटे पर सितम ढाया। ये तेरा बहन है अगली? माँ के दिल से बड़ी गवाही किसी की नहीं होती अजीम के अब्बा। तुम मुझे यहाँ इलाज के लिए लाए हो, लेकिन ये को नहीं समझते कि डॉक्टरों के पास मेरे दर्द की दवा नहीं है। सारी जिंदगी मैंने तड़प तड़प कर गुजार दी, क्या मरते वक्त भी मुझे मेरे बच्चों की सूरत नहीं दिखाओगे? कैसे दिखा दूं जन्नत, जिन्हें देखने के लिए खुद तरस रहा हूं। अरे एक ही तो खोया है ना, दूसरा तो अपने हाथों से देकर आए हो। उन्हीं के दरवाजे पर चले जाओ, मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर कहना, बेटा हमें हमेशा के लिए नहीं चाहिए, चल नहीं के लिए आ जाए। ममता की डूबती हुई नब्जों में उसे देख लेने से जिंदगी की लहर दौड़ जाएगी। जाओ अजीम के अब्बा, अगर वो मेरे मरने के बाद आया तो फिर क्या हुआ है था? जाता हूँ अजीम की माँ, अगर बेगम साहिबा को रहम आ गया तो शायद तेरी तरसी मांगता की प्यास पड़ जाए। फजलू बाहर खड़ा है तो उससे कह दीजिए उसका बेटा जा चुका है। आहिस्ता बोलो बेगम, उसकी बीवी गरीब की हालत पहले ही खराब है, अगर ऐसे वक्त में उसे पता चल गया तो ममता की मारी जन्नत इस सदमे से मौत आने से पहले ही मर जाएगी। लेकिन सच छुपाने से फायदा? सच बोलकर हम किसी की जान नहीं लेंगे। देखो बेगम, हम अपने बेटे को घड़ी दो घड़ी के लिए उसका बेटा बनाकर भेज देते हैं, जन्नत की प्यासी ममता को जरा सी ठंडक मिल जाएगी, बात भी रह जाएगी और हमारा भी कुछ नहीं जाएगा। बात जाए या कोई दुनिया से चला जाए, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगी। खुदा से डरो बेगम, ऐसी बात तो कोई बेऔलाद औरत भी नहीं कहती, तुम तो फिर माँ हो। माँ हूँ इसीलिए कह रही हूँ, ना आप मुझे मजबूर कीजिए ना मैं अपना बेटा फजलू के साथ भेजूंगी। तुमने ठीक कहा सेठानी, तुम्हें यही कहना चाहिए था। जब भी किसी गरीब की जान पर बनी है, तुम जैसे अमीरों ने हमेशा अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए। वफा के नाम पर जब भी लूटा गरीब लूटा है, जब भी मिटा गरीब मिटा है। आंखें क्यों झुक गई सेठ, इससे कहते क्यों नहीं दिल अमीर का हो या गरीब का, दोनों एक ही तरह धड़कते हैं, दोनों एक ही तरह तड़पते हैं। फजलू सेठ, तुम्हारी बीवी के सुकून की खातिर अपनी ममता का गला दबाते दबाते आज मेरी जन्नत की जिंदगी जीते जी जहन्नम बन गई है। मैं उसकी खातिर तुम्हारे दरवाजे पर सिर्फ चंद लम्हों के लिए अपने ही बेटे की भीख मांगने आया हूं तो तुम मुझे खाली हाथ लौटाना चाहते हो? कान खोल कर सुन लो सेठानी, तुम गरीब को सिर्फ वफा के नाम पर लूट सकते हो, जुल्म का सहारा लेकर तुम उसकी जिंदगी छीनना चाहो तो मुझे अपनी जन्नत के बहते हुए आंसुओं की कसम है तुम जिंदगी भर नहीं छीन सकते। अगर मेरी जन्नत की हालत सुनकर भी तुम्हारा दिल नहीं हिला तो मैं भी तुम पर रहम नहीं खाऊंगा, अपना बेटा छीन कर तुमसे ले जाऊंगा। बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह कितना जवान हो गया है मेरा बेटा। क्या कहना चाहते हो? मेरे साथ चल, तेरी माँ तुझे इतने से देखने के लिए मौत को रोके बैठी है। कौन माँ, किसकी माँ? मैं पूछता हूँ तू जैसे पागल कौन सा किसने आ गया? मैं पागल नहीं हूँ, तेरा पाप हूँ। अब तू मुझे क्या पहचानेगा? तू इतना सा था जब मैंने तुझे मिर्जा साहब की गोद में दिया था। मैं तुझे यहाँ लेने के लिए कभी ना आता, लेकिन तेरी माँ के बैन सुनकर कलेजा फटता है। तेरी जवानी की कसम, वो तुझे बहुत याद करती है, बहुत तड़पती है तेरे लिए, बहुत रोती है। क्या वक्त हो, निकल जाओ यहाँ से। मेरी जगह में किसी अमीर का नहीं गरीब का खून है, और गरीब के खून को बदलते बदलते एक मुद्दत लगती है, तू इतनी जल्दी कैसे बदल गया? चौकीदार इसको धक्के देकर बाहर निकाल। मैं बेटा लेकर जाऊंगा, दौलत की जाओ में पड़ गई, ये इतना संगदिल क्यों हो गया है? चलो मैं कहता हूँ बाहर चले जाओ। नहीं निकाल सकते हो, जरूर निकाल सकते हो, इसलिए कि तुम्हारा जवान बेटा तुमसे नहीं बेच रहा।
खुदा करे कोई गरीब किसी अमीर के साथ ऐसी नेकी न करे, कोई बेटा अपने बाप के साथ ऐसा सलूक न करे, ऐसा सलूक न करे। वो अंदर है, जाइए जाइए, उदास बैठे हैं, उन्हें अपनी जबान से तसल्ली दीजिए, क्योंकि औरत की जबान से निकली हुई तसल्ली मर्द की तकदीर बन जाती है। चलिए चलिए अरे कान लाओ है, तुझे उनके मामले में हड्डी बनने की जरूरत नहीं। मैंने पूरा शहर छानना है और हुजूर यहाँ बैठे, बोलते क्यों नहीं सरफराज? सरफराज की तलाश में आप गलत जगह चली जाइए, यहाँ इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता मोहतरमा। अच्छा तो आपका क्या नाम है मोहतरम? दुनिया ने कुछ इस तरह लूटा है कि मेरा नाम भी मेरे पास नहीं रहने दिया। सुन चुकी हूँ, फिर भी यकीन से कह सकती हूँ कि एक चीज तक दुनिया का हाथ नहीं पहुँच सका, और वो है मेरा प्यार। तुमने अपने प्यार की तस्वीर जिस आईने में सजाई, आईना टूट चुका है। मैंने आईने से नहीं तस्वीर से प्यार किया था, खुदा का शुक्र है आईना टूटा है, मगर तस्वीर बाकी है। सर परछाई के पीछे भागने से क्या फायदा, मुझे भूल जाओ। सरफराज यहाँ से चले जाओ, सर यहाँ से चले जाओ। जिंदगी में जो एक मुसरत बाकी रहेगी है उसे भी लौटा दोगे तो इतने सारे दुखों का मुकाबला कैसे करोगे? मुसरत कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, और जिंदगी भर तुम्हारी रहेगी। अब इसे दवा की जरूरत नहीं, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है बीबी। डॉक्टर बेटे मेरा एक ही बच्चा था, इसे ठीक करके मेरे को बहुत परेशान किया है। खुदा तुम्हारी माँ का कलेजा ठंडा रखे। मेरी माँ कहने वाले कौन हो? जो तुम्हें माँ कहने के लिए तरस गया था मैं तुम्हारा वही खोया हुआ अजीम हूँ। माँ मैं गाड़ी के सफर में बिछड़ गया था, अगर इतना याद है तो मुझे गले लगा लो माँ। अजीम मैं
इसलिए जिस बेटे को लेने गया था उसने आने से इनकार कर दिया है। तू किसे गले लगा कर रो रही है पगली? तुम मुझे पागल कहते हो? तुम तो होश वाले हो, पहचानो तो ये कौन है। तुम ना बताना बेटा। बेटा मैं तुम्हारा अजीम हूं बाबा। अजीम मेरे अंदर ये लो बेटा, ये कागजात बैंक ले जाना, अकाउंट तुम्हारे नाम मुंतकिल हो जाएगा। वो क्यों? हमारी सेहत एक गिरती हुई दीवार है, अब दफ्तर की तमाम जिम्मेदारियां तुम्हें संभालना है बेटा। जी बेटा। Thank you.
वापस कर दे माँ, मैं सौदा कर चुकी। तू मुझे बेचना चाहती है, बयाना तेरे सामने पड़ा है। माँ, तकदीर का फैसला करने से पहले दुनिया की मैं खून देखती हैं, खानदान देखती हैं, जिसे अपनी इज्जत सौंपना चाहती हैं, उसका चाल चलन देखती हैं। मगर तू कैसी माँ है, तूने इस कोठे पे आने वाले के सिर्फ नोट देखे, उसके मुंह से शराब की उठती हुई बू देखी और उससे सौदा कर बेटी की तकदीर फोड़ने पे राजी हो गई। खुदा के लिए मुझे सच सच बता माँ, तू माँ बन के मुझे टसना चाहती है या मैं बेटी बन के धोखा खा रही हूँ? शब्बो, तुमने इस कोठे पे जन्म लिया है और इस कोठे का ये पुराना दस्तूर है। जुल्म का ये दस्तूर बनाने वाले कौन है मैं उनसे पूछती हूँ। उनके कानून में इंसानियत के जुमरे में हमारा नाम क्यों नहीं आता? वो कानून कब आएगा जो इस बाजार में बेहयाई की खुली दुकानों को बंद करा सकेगा? बेबस औरत के खून से होली कब तक खेली जाएगी? इसका जिस सरे बाजार कब तक नीलाम होता रहेगा? शब्बो, जितना चाहे शोर मचा, ऐसा शोर इस कोठे की चार दीवारों में घुट कर रह जाता है, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। श्यामा, इसे तू ही समझा ले, सुबह आने वाला रुपया वापस ना जा सके, वरना मुझे समझाने के दूसरे गुर भी आगे। रोज कहाँ से आ रहा है? तू इतना भी नहीं जानती बा, सही सजा इतनी रात के कहाँ से आया करते? तूने तूने शराब पी है फिरोज? हाँ हाँ, शराब पी है, किसी का खून नहीं पिया। अरे नाराज हो गया पगले, कोई अपनी माँ से भी नाराज होता है। चल चल अब चल के सो जा बेटे, अभी और पीने को जी चाहता है। वो तेरी के पास होगी थोड़ी सी, जाने आज क्यों जी चाहता है कि सारी दुनिया की शराब एक ही घूंट में पी जाऊं। शब्बो, आंसू के हथियार से जुल्म का खात्मा कल हुआ है ना आज होगा। खुदा दूर है, इंसानों के दिल पत्थर हैं, आंसू ना बहाऊं तो किसका सहारा लूं? मुझ पर एक एहसान कर दो, मुझे कहीं से जहर ला दो ताकि मैं अपनी दुख की जिंदगी खत्म करके सुख की मौत तो मर सकूं। नहीं शबो, डॉक्टर साहब के रूप में अभी जिंदगी की एक किरण बाकी है। डॉक्टर साहब, तुम उनसे प्यार करती हो, इस दोजख से निकलकर उनके पास क्यों नहीं चली जाती? मैंने डॉक्टर को हर तरह से आजमा कर देख लिया है, वह सिर्फ जिंदा रहने का मशवरा दे सकता है, जिंदगी गुजारने के लिए सहारा नहीं। अगर इज्जत बचाने के लिए आखिर रास्ता मौत की तरफ जाता है तो फिर आदमी को जिस जिससे अच्छाई की उम्मीद हो उससे मायूस होकर क्यों ना मरे? अभी वक्त साथ दे सकता है, उठो शुभो, ये वक्त भी निकल गया तो तुम्हारी क्षमा तुम्हारे लिए अच्छे जज्बात रखते हुए भी कुछ नहीं कर सकेगी। उठो शुभो, आओ मेरे साथ। मगर बाहर पहरे पर माँ बैठी है, मैं रास्ता दिखाती हूँ। प्यार का सहारा लेकर यही से ऊपर जाओ शब्बो। आदमी अंधेरे में ही निकल सकता है। क्या मतलब? माँ की कारोबारी नजरों में मैं कोठे के लिए एक नाकारा जिंस थी। माँ ने कोठा खाली कराने के लिए मेरे पैसे पकड़ लिए हैं, दिल ने बिकने से इनकार कर दिया।
और मैं घर छोड़कर चली आई। घर छोड़कर चली आई हो? घबराए नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे जिंदगी मांगने नहीं, जिंदगी को आखिरी सलाम करने आई हूँ। किस सोच में पड़ गए आप? आपने मेरा आखिरी सलाम कबूल किया? हाँ, सलाम कबूल किया, मगर अब तुम्हारा क्या इरादा है? आखिरी तमन्ना पूरी हो गई है, अब तो मरने का इरादा है। अब मुझे मशवरा न दीजिएगा डॉक्टर साहब, अब मुझसे कोई अमल ना हो सकेगा। एक बार पलट कर तो देखो, डॉक्टर तुम्हें कोई मशवरा नहीं, जीने का सहारा देना चाहता है। दलीस पार करो शम्मा। क्या समझकर? अपने आप को इस घर की इज्जत समझकर। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक कह रहा है बेटी, मगर मैं, मेरा बेटा मुझे सब कुछ बता चुका है। तुम्हारा माजी क्या था, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि इस वक्त तुम मुझे मेरी बहू के रूप में खड़ी नजर आ रही हो। आओ, आओ मेरे गले से लग जाओ बेटी। माजी, मुझे आपके कदमों में जगह चाहिए। नहीं बेटी, तुम मेरे बेटे की पसंद हो, तुम्हारी जगह कदमों में नहीं, दिल में है। माजी, आप सुबह सुबह इस कमरे में क्या सोच रही हो मां? सोच रही हूँ अब इस घर में बहू आ जानी चाहिए। फिक्र क्यों करती हो, आ जाएगी। कोई लड़की देख ली है क्या? देखी ही नहीं, उसे यहाँ लाने का आज वादा भी कर चुका हूँ। शबो कहाँ है? पंछी पिंजरे से उड़ गया है माँ। तो तूने उसे भगा दिया है, तो वो यकीनन डॉक्टर के यहाँ गई होगी। मैं दोनों की खबर लेती हूँ। अब तकलीफ न करना माँ, उसे वापस लाना तेरे बस की बात नहीं। वो क्यों? इसलिए कि वो तेरी बेटी नहीं है, एक अगवाह की हुई लड़की है। मगर वो ये राज नहीं जानती। तो क्या हुआ, तेरी ये बेटी तो जानती है ना। तूने उसका पीछा किया तो मैं तेरे खिलाफ गवाही दूंगी, खुद मर जाऊंगी, मगर शब्बों को इस कोठे का मुकद्दर नहीं बनने दूंगी। अरे तवायफ जादी होकर कैसी बातें करती है? नेकी और बदी दोनों इंसान के अंदर होती है माँ। नेकी पल भर के लिए बदी पर गालिब आ जाए तो इंसान किसी को रोशनी दिखाकर खुद अंधेरों के सामने दीवार बन जाता है। अरे नसीबो जली, वो तमाशबीन आने वाला है, उससे क्या जवाब दूंगी? तुम सोच रही होगी कि रात की बात का मजकूर ही क्या। छोड़िए, रात गई बात गई, लेकिन तुम्हारे सर की कसम, हम अपना वादा नहीं भूले। अब तुम उस हीरे को हमारे हवाले करके अपना वादा पूरा करो। ये लो बाकी रुपए। क्या सोच रही? सेठ साहब, उस मोती को आपने तो पसंद कर लिया था, लेकिन मोती को गाहक पसंद नहीं आया। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम अपने घर में मातम नहीं, जिंदगी लेकर जा रहे हैं। ले माँ, तेरा काम बन गया, बस इतनी सी बात थी ना। लो भाई रानी, ये रहा हमारा दौलत खाना। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। फिरोज, ये कौन लोग हैं? ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं माँ। मेरे रिश्तेदार? हाँ, और ये रही तुम्हारी बहू। बहू? तुम्हारा घर रोशन करने के लिए मैं सारा बाजार सोना कराया। ये तूने क्या किया फिरोज? इसे यहाँ लाते हुए तूने ये भी ना सोचा कि दुनिया की नजरों में हमारी इज्जत? इज्जत दुनिया की नजरों से नहीं, दौलत से हुआ करती है माँ। तुमने ये सोचकर मुंह फेर लिया है कि ये एक तवायफ साथी है। तवायफ को दौलतमंद घराने में लाकर मैंने कोई नया काम नहीं किया माँ। फिरोज, इसे बहू मानने की दिल इजाजत नहीं देता। दुनिया से डरती हो तो फिर दो ही रास्ते हैं, इसे अपना लो या मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लो। अरे बगले, औलाद और ममता का रिश्ता भी कभी टूटा है? ये जो भी है, जैसी भी है, मैं इसे अपनी बहू ही समझूंगी। इधर आ बहू, रहने दीजिए, बाल मैंने बड़ी मुश्किल से बनाए।
अब्बा ये कुछ रुपए रख लो, जायदाद तुम्हारे नाम मुंतकिल होगी बेटा। हाँ फिरोज बेटा, कहीं तुम्हारी असलियत ना खुल जाए। अरे नादान, असलियत तो असली बेटे से खुल सकती थी, और उसे मैंने बचपन ही में दरियापुट कर दिया था, और जिस घर के हवाले इसे किया है वहां इसके रास्ते का एक ही कांटा था जिसे इसने बाहर निकाल दिया। अब असलियत कौन खोलेगा? जल्दी करो मेरी आंखें। अरे कहां डाल रही हो दवाई? तुम हिलते क्यों हो? अरे हरकत में बरकत है पगली। हाँ अब दवाई पड़ी। साजदा, कभी तुमने दवाई डालकर बंद आंखों में ये महसूस किया है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है? साजदा, तुम मेरा बहुत ख्याल रख। कहाँ चली गई हो साजदा? साजदा तुम तो बड़ी मुलायम थी, ये इतनी खुरदरी कैसे हो गई? अरे बोलो, जवाब दो। साजदा कमाल है, तुमने मेरी डैडी की आवाज में बड़क मार कर मुझे डरा दिया। ईमान से बड़ी फनकार हो, स्टेज पता नहीं काम करती रही। बोलो जवाब। ये ताजा कौन है बताओ? ये ताजा कौन है डैडी? मैं अभी बताता हूँ। ताजा मम्मी जीती हो, मेरे डैडी आ गए। भाई साहब आप? भाई सलाम। वालेकुम सलाम। डैडी ये मेरी मम्मी है। नहीं मम्मी, नहीं नहीं, ये तो डैडी। हाँ डैडी, डैडी ये मम्मी और ये साजा, इनसे मिलिए। अरे साजा तू इतनी बड़ी हो गई? इतनी सी तो थी। डैडी ये बॉक्स में क्या लाए? अरे भाई बहुत कुछ लाया। तो फिर लाया कुछ तो नहीं लाया? हॉल में मेरा ये है, मेरे छोटे होने की तस्वीरें। वो बॉस भी आ गए। बॉस आप कहाँ चले गए थे? इनसे मिलिए मेरे डैडी। वालेकुम सर। अच्छा ये तस्वीर भी देखो, ये देखो किसकी है, जरा पहचान के दास बनो। ये किसकी तस्वीर है? ये मेरे बचपन की तस्वीर है। देखो छोटे होंदे में कितना गोल मोड़ता जैसे दुनिया गोल है। ये तुम्हारी तस्वीर? हाँ बेटा, ये शेखू के बचपन की तस्वीर है। शेखू के बचपन की तस्वीर। हम जैसे समाज में नासिर की खोज में रहते हैं। आइए मेरे साथ चलिए। जबान से इज्जत का लफ्ज कहकर इस नाम की तौहीन न करो। मुझे देखकर बिगड़ते क्यों हैं? आज से पहले आपका घर और मेरा कोठा दोनों इसी शहर में आबाद थे, लेकिन ना आपने मुझे देखा था और ना मैं आपको पहचानती थी। मुझे जलील करने की बजाय इतना सोचिए कि सवाइफ जब भी कोठे से उठकर घर में आती है तो उसे लाने वाला आप जैसा कोई रईस या उसका बेटा होता है। हम बेटे की नादानी को इतना सर पर नहीं चढ़ाएंगे कि वो हमारे वकार से खेल सके। इस घर की बहू हम खुद पसंद करेंगे और वह कोई शरीफ शादी होगी, तवायफ शादी नहीं। गलती हमारे बेटे ने की है, इसलिए हम तुम्हें इल्जाम नहीं देते, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना कहते हैं कि अपनी महफिल को समेट कर जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से वापस चली जाओ। ये वापस नहीं जाएगी। ये आपका नहीं मेरा इंतखाब है। हम तुम्हें जीते जी आग में नहीं कूदने देंगे। टिमटिमाते चराग की आखिरी लौ चढ़ते सूरज का रास्ता नहीं रोक सकती। फिरोज ये तुम कह रहे हो? हाँ ये मैं कह रहा। नहीं, ये हमारे खून की आवाज नहीं है। इस तरह आंख उठाकर तो उसने भी नहीं देखा था जो हमारा बेटा नहीं ले बालक था।
अगर तुम्हारी आंखों में उतरा हुआ यह खून सचमुच हमारा खून है तो हमें अपने खून की कसम हम तुमसे हार नहीं मानेंगे। अपना वो मनहूस साया लेकर इस घर से दूर चली जाओ जिसने एक बेटे को बाप के सामने गुस्ताख बनाकर खड़ा कर दिया है। जाओ ना बेटा, चली जाओ। ये गई तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। बेशक तुम भी चले जाओ, हम बेटा गवा देंगे लेकिन बेटे की खातिर एक तवायफ को गले नहीं लगाएंगे। फिरोज चले जाओ, हम दिल को समझा लेंगे कि हमारा बेटा एक बार फिर खो गया है। ऐसा नहीं कहिए सरपंच। जो कुछ बेटे ने कहा वो सुना तुमने? हमें बताओ सलमा, यह हमारे खून की आवाज थी या तुम्हारा दूध बोला था? गुस्सा तुम दीजिए वरना फिरोज यहाँ से चला जाएगा। खून गंदा हो जाए तो उसे निकाल फेंकना चाहिए। नहीं सरपंच, नहीं। सलमा ये नाखलफ है, गुस्ताख है, बदतमीज है। जैसा भी है हमारा बेटा है। अब मेरे पास इतनी जिंदगी नहीं कि बेटे के लौट आने की उम्मीद में फिर से पागल हो सकूं। अगर फिरोज यहाँ से चला गया तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। बेटा यहाँ से निकलकर किसी कोठे को आबाद करेगा, क्या तुम भी वहाँ जाओगी? बेटा नजरों के सामने रहे तो मैं जहन्नुम में भी चली जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम सब यहीं रहो, मैं ही चला जाता हूँ। टूट गया सारा गुरूर, जल्दी एक घर छोड़ के हुजूर। तवायफों से मेरा मिलना जुलना इतना बुरा लगता था कि मुझे घर से निकाल दिया था। मिर्जा साहब अब जरा दिखाइए ना जलाल, निकालिए घर से तवायफ को। आज इसलिए नहीं निकाल सकते कि सामने तुम्हारा अपना बेटा। बेटा नहीं दुश्मन कहो। इनकी जिम्मेदार साहब, आपका बेटा बनकर आपकी शपथ को फरेब देने वाला आपका बेटा नहीं है। तो फिर किसका बेटा है? गवाही चाहते हो? मुझे सबूत चाहिए। घबराओ नहीं, सबूत भी लेकर आया हूं। पहचानो इसे। कौन है ये? मेरी बीवी। ये तुम्हारी बीवी ही नहीं, तुम्हारे इस बेटे की माँ भी है। अपने बेटे को आपका बेटा बनाकर यहाँ भेजने का भयानक नाटक इन्होंने इसलिए खेला है मिर्जा साहब, ताकि आपकी दौलत पर कब्जा कर सके। जुर्म करते वक्त हर मुजरिम का जहन ये भूल जाता है, धोखे और बेईमानी के दिन बहुत थोड़े होते हैं। ये हमारा बेटा नहीं है तो फिर हमारा बेटा? आपका बेटा जिंदा है बेगम साहब। ये झूठ है। इसलिए है कि तुम उस मासूम को अगवा करके दरिया में फेंक चुके हो। और सच इसलिए है कि मैंने उसे बचा लिया था। मिर्जा साहब, परसों पहले की यह तस्वीर तो यकीनन आप पहचानते हो। ये तो हमारे बेटे की तस्वीर है। जब मैंने इसे पानी से निकाला तो इसकी जिंदगी के आसार खत्म हो चुके थे। यानी ये किसकी दुआ थी, कौन सा मौजजा था जो एक जाती हुई जिंदगी को वापस ले आया? मगर ये तो बताओ मेरा बेटा है कहाँ? इधर देखिए, आपकी ममता का सुकून, आपका खून बेगम साहब। खुदाया ये कोई नया फरेब ना हो। अपनी ममता को गवाह बनाकर इसको अपने सीने से लगा कर देखिए बेगम साहब, दूध से पानी अपने आप जुदा हो जाएगा। शेख, यही है तुम्हारी जन्नत, यही है तुम्हारी माँ। अपने बेटे को आगे बढ़कर गले से लगा लीजिए बेगम साहब। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। बॉस, और बेटे जी जल्दी से अस्पताल ले चलो। सरफराज, डॉक्टर जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले आए। चलो बेटी खाना खा लो। जी वो अभी तक नहीं आए, अजीम भी आ जाएगा, तुम तो खा लो। नहीं माँ जी, मैं उनका इंतजार करूंगी। बेटी वो, अरे क्यों परेशान करती है, अपना वक्त भूल गई? कभी तू भी तो नहीं खाया करती थी मेरे बगैर। अजीम के पास? बेटी मैं मालूम करता हूँ आज अजीम बेटे को इतनी देर क्यों गई। खुदा तुम दोनों को सलामत रखे, किस कदर प्यार है तुम दोनों में। फजलदीन, शेठ साहब आप यहाँ आओ। फजलदीन, अब आप मुझसे कुछ न मांगिएगा शेठ साहब, अब मैं आपको कुछ नहीं दे सकूंगा। नहीं फजलदीन, हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए, तुम्हें तुम्हारा बेटा लौटाना चाहते हैं। मुझे महलों में पलने वाला वो बेटा आप ही को मुबारक हो सीता जी।
गरीब माँ की हालत का सुनकर भी जिसका दिल अब नहीं पिघलता, बदनसीब बाप के आंसू पे जो रहम खाना भूल गया है। जिसने तुम्हारा मान तोड़ा वो तुम्हारा बेटा नहीं, हमें एक बदबख्त का दिया हुआ फरेब था, इसे अपना बेटा समझकर हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। तो फिर मेरा बेटा कहाँ है? हमारे दिए हुए दुखों पर जितना रोए हो, एक बार हमें वो माफ कर दो फजलदीन, हम जन्नत की झोली बेटे की मुरादों से पूर कर देंगे। सेठ साहब, आप डॉक्टर साहब? सिर्फ डॉक्टर नहीं, मैं इनका बड़ा बेटा भी हूँ। बताइए, जिसे गोद लिया था मेरा वो भाई कहाँ है? पहले ये बताओ, जिसका ऑपरेशन करके आए हो उसकी हालत कैसी है? वो बिल्कुल होश में है, यूं लगता है किसी की दुआओं ने उसे बचा लिया है। उसे किसी की दुआओं ने नहीं, सिर्फ जन्नत की दुआओं ने जिंदगी दी है। वो कोई और नहीं, तुम्हारा अपना भाई है। मेरा भाई? जन्नत। सलीम, सलीम। डॉक्टर साहब, भाई को सलीम। भाई? हाँ, मेरी तरफ देखो। जिन्होंने तुम्हें अपनों से जुदा किया था, उनकी जुबानी मालूम हुआ है कि तुम उनके सरफराज नहीं, मेरे भाई सलीम हो। भाई? हाँ हाँ भाई। भैया, भैया, किस्मत का हम पे एहसान है कि उसने पिछड़े लोगों को मिला दिया। भैया, हमारे माँ बाप का कुछ पता चला? हाँ, मेरे घर पे मुझे उनके पास ले चलो भैया। नहीं, तुम यहाँ आराम करो, मैं उन्हें लेकर आता। नहीं भैया, जब पिछड़े हुए माँ बाप का पता चल ही गया है तो बेटा खुद चलकर उनके कदमों में जाएगा। मुझे उनके पास ले चलो भैया। हाँ, मेरा बेटा मिल गया। इतनी मुद्दत बाद बेटे को सामने देखकर गले लगाने को दिल तो बहुत तड़पा था, लेकिन मैं अपनी तड़प दबा कर ये खबर तुझे सुनाने इसलिए चला आया। तू मुझसे ज्यादा तड़पी है, मुझसे बहुत ज्यादा रोई है। बेटे को गले लगाने का पहला हक तेरा है। वो आई हमारी मां। बेटा, मेरे सलीम। अरे, ये तुम्हें क्या हो गया है सरफराज? सरफराज नहीं, सलीम कौन सरत। माँ के साथ साथ मुझे मेरा नाम भी मिल गया है। माँ, ये आपकी होने वाली बहू है। अल्लाह, मैंने तुझसे अपने बेटे मांगे थे, ये मुझे क्या मिल गया, इतना कुछ मिल गया। मुबारक हो जन्नत बेगम, दो बेटों के साथ दो बहुएं भी मिल गई। हो गोरी मन गई सांबरिया से उई उई उई, हो गोरी मन गई सांबरिया से उई उई उई, इब दिखावत ना करे मोर सपनों की परी हो ये परी।